मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक बड़े घोटाले की जानकारी सामने आई है। ये कथित घोटाला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किया गया। पता चला है कि जिले में करीब 1,850 फर्जी टीवी बांट दिए गए। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आशय से जुड़े हिमांशु पुरोहित से मिली जानकारी के मुताबिक सागर जिले के गढ़ा कोटा में 11 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बड़े स्तर पर विवाह समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में 1,850 जोड़ों को LED टीवी बांटा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस समारोह का हिस्सा बने थे। कार्यक्रम निपट गया, सभी टीवी लेकर घर चले गए। हालांकि इसके बाद टीवी खराब होने की शिकायतें आने लगी। कई लोग जब टीवी लेकर सर्विस सेंटर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि ये टीवी नकली है। वहीं इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मामले का खुलासा होने के बाद सागर के कलेक्टर दीपक आर्य ने SP अभिषेक तिवारी को FIR दर्ज कराने को कहा। FIR में फ्रॉड और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टीवी सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट के संचालक मुकेश साहू और दिल्ली के एक व्यक्ति राजू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। SP अभिषेक तिवारी ने आज तक से बातचीत में बताया, हमारी टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें स्थानीय स्तर से मुकेश साहू हैं, जिन्होंने टीवी का टेंडर लिया था और सप्लाई किया था। इन्होंने एक लोकल टीवी जो असेंबल टीवी है वो उपलब्ध करवाई थी। इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जहां से इस नकली टीवी को लिया, उनका नाम राजू गुप्ता है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। मामले की जाँच चल रही है, हर पहलू पर गहनता से जाँच की जा रही है। FIR में कुल 1,862 टीवी के वितरण का मामला सामने आया है। ऑर्डर के दस्तावेज देखें तो इन्होंने लगभग 1,902 टीवी का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 1,862 टीवी डिलीवर की गई थी। SP ने आगे बताया कि टेंडर अमाउंट 1,43,00,000 का था। साथ ही नकली टीवी का सप्लाई दिल्ली से किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेंडर कैसे मिला। बता दें, नए जोड़ों को LED टीवी देने के लिए सामाजिक न्याय विभाग ने टेंडर निकाला था। इसमें SRK इंटरप्राइजेस के टेंडर की कीमत सबसे कम थी। ये फॉर्म मुकेश साहू की है। मुकेश ने हर टीवी का रेट 7,777 रुपये बताया था। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। बताते चलिए, ये मामला मध्य प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव के गृह क्षेत्र गढ़ा कोटा से है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। Apple यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।